एफआईआर दर्ज किया है मुंबई पुलिस में, वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी उस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहाँ जाती हैं, वहाँ शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नज़र आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खानापूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है, तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वेशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे।